वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज एक वीडियो के माध्यम से हम अभियान चला रहे हैं कोविड-19 के संबंध में जागरूकता अभियान। हम जानते हैं कि कोरोना वायरस से आज हम सभी लोग लड़ रहे हैं और पिछले साल भी ये कोरोना वायरस ने काफ़ी हद तक मनुष्य को हानि पहुंचाई थी। लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था और अस्पतालों में एक तरह से जो तबाही का मंजर हमने अभी कुछ महीनों पहले देखा था कि कैसे लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे और अपनी जान जो है दे रहे थे। तो ऐसे कठिन वक्त में, जबकि पूरा संपूर्ण विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, तो हम सबका क्या कर्तव्य बनता है? निश्चित रूप से वायरस हारेगा। मनुष्य जो है काफ़ी विकसित प्राणी है, उसने मेडिकल साइंस को डेवलप किया है और वैक्सीन का निर्माण किया है, और वैक्सीन का निर्माण से हम इसे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर पाए हैं। और आगे सरकार की भी ऐसी योजनाएं हैं कि जब संपूर्ण वैक्सीनेशन हो जाएगा तो निश्चित रूप से ये केसेस आना बहुत कम हो जाएंगे। और जो पैंडेमिक की स्थिति है, जो वैश्विक महामारी की स्थिति है, वो निश्चित रूप से एंडेमिक स्थिति में आ जाएगी, यानी फिर उसका असर जो है काफ़ी कम रह जाएगा। जैसे पहले टीबी काफ़ी लाइलाज बीमारी मानी जाती थी और टीबी किसी को हो जाती थी तो संभवतः उसका जो है बच पाना मुश्किल होता था, लेकिन जो है आज के दौर में हम देखें तो टीबी का इलाज जो है इलाज है, और टीबी से जो है अब उतने लोग नहीं पड़ते और उतना घबराने की बात नहीं होती जितना पहले हुआ करती थी। तो कुल मिलाकर के कोविड-19 या कोरोना वायरस से हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहनी चाहिए और इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे और उनमें सबसे ज़रूरी है कि अपना प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना है। अब प्रतिरक्षा तंत्र कैसे मजबूत होता है हमारा, तो सबसे पहले हम ध्यान दें तीन बातों पर। तीन बातें मैं बताऊंगा। पहली बात यह है कि हम शुद्ध और पौष्टिक आहार खाएं, जिनमें सभी पोषक तत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे होने चाहिए। उसके लिए हमें जो है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर बहुत सारी आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी, जिसमें आपको एक पूरा डाइट चार्ट मिल जाएगा, कैसे हम अपनी डाइट को सुधार सकते हैं, कैसे हम भोजन को अच्छा कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, ऐसा भोजन करना पड़ेगा। ख़ास तौर से जो पैकेट और डिब्बा बंद चीज़ें हैं या बाहर जो खुले चीज़ें बिकती हैं उनको नहीं खाना है, क्योंकि वो कंटामिनेटेड हो सकती हैं, दूषित हो सकती हैं, उससे हमें बीमारी हो सकती है। तो भोजन का विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, शुद्ध पानी पीना है, शुद्ध जल पीना है। तो शुद्ध जल पे ही आज हमारा मेन फोकस था। तो उसमें आप जो शुद्ध जल को उबाल कर पी सकते हैं, क्योंकि उबालने से उसके अंदर जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या जो दूसरे प्रोटोजोन्स होते हैं, वह जो है बीमारी करते हैं, वो मर जाते हैं उबालने से। एक टेम्परेचर पर जब 100 डिग्री सेल्सियस पर उसे उबाला जाता है, वो सारे नष्ट हो जाते हैं और वो फिर पानी पीने लायक हो जाता है, उससे कोई बीमारी नहीं होती है। और क्लोरीनेशन भी कर सकते हैं, अगर उबाल नहीं सकते तो क्लोरीनेशन एक अच्छा तरीका है, या तो आप क्लोरीन गैस डायरेक्ट उसमें मिला सकते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर आप पानी में, पीने वाले जल में जो ऊपर टंकी रखी होती है उस पर मिला सकते हैं, जिससे जो है क्लोरीन गैस जब जो पानी में उपस्थित जीवाणु हैं या पैथोजन्स हैं जो बीमारी करते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन को नष्ट कर देगी, और ऐसा होते ही जो है सारे बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स जो बीमारी करते हैं, जिसे हम पैथोजन्स कहते हैं, वो सारे नष्ट हो जाएंगे और वो पानी जो है पीने लायक बन जाएगा। इसी प्रकार से हमें साबुन से बार बार हाथ धोते रहना चाहिए, क्योंकि हम विभिन्न वस्तुओं को जो है अपने हाथों के माध्यम से छूते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया, जर्म्स, पैथोजेंस हमारे हाथों पर लग जाते हैं। तो हमें सबसे अच्छा तरीका है कि हम लगभग हर एक घंटे में अपने हाथों को साबुन से धोएं, लगभग 30 सेकंड तक पूरा हाथ जो है ठीक तरीके से धोना चाहिए, चारों तरफ हाथ में साबुन लग जाना चाहिए पूरे हाथ पर, और फिर पानी से लगभग 30 सेकंड तक हाथ धोना चाहिए। सैनिटाइज़र का उपयोग भी कर सकते हैं,
बीच बीच में जब अगर साबुन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है या हम बाहर हैं कहीं सफ़र कर रहे हैं तो सैनिटाइज़र का उपयोग भी करना चाहिए। उससे भी जो है ये कोरोना वायरस जो है या दूसरे जो पैथोजेंस हैं वो नष्ट हो जाते हैं और हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अपने हाथों को कोशिश करना चाहिए कि चेहरे पर ना लगाएं, क्योंकि चेहरे पर भी हमारे नासा छिद्र हैं, मुख है, आँखें हैं और इनके माध्यम से वायरस या पैथोजेंस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर सकता है। इसलिए अपने हाथों को जो है मुख तक ना ले जाएं। इसके अलावा शौचालय का प्रयोग की बात करें, अगर कोरोना वायरस के पहले जो केस निकल रहे थे प्रत्येक घर में, तो अगर कोशिश हो तो प्रत्येक घर में कम से कम दो लैट्रिन बाथरूम है, तो अगर कोई कोरोना का मरीज निकला है तो उसे आइसोलेट कर देना चाहिए और उसके लिए शौचालय की अलग व्यवस्था करनी चाहिए। अगर घर में आइसोलेशन पॉसिबल नहीं है तो बहुत सारे ऐसे स्वास्थ्य केंद्र हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या आसपास ऐसे बहुत सारी संस्थाएं अब बन गई हैं जो आइसोलेशन उपलब्ध करवा रही हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ का पे भी जो है आइसोलेशन में रह सकते हैं, ठीक है। तो मास्क का भी प्रयोग करना चाहिए और मास्क के प्रयोग करने का भी तरीका होना चाहिए कि मास्क जब हम लगाते हैं तो हम मास्क को नीचे कर लेते हैं, नाक से नीचे कर लेते हैं। अब क्योंकि नाक से ही वायरस एंटर करेगा अंदर, तो अब वहीं पर मास्क नहीं लगाए तब क्या होगा कि उस मास्क लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, मास्क को हाथों से न छुएं। अगर आपको मास्क उतारना है तो किनारे से जो उसकी रबड़ है या डोरी के द्वारा जो बंधा हुआ है उसे आप उसे निकालें, उसे पकड़ कर निकालें, ना कि बीच से आप मास्क को खींचें। तो मास्क लगाना, साबुन से हाथ धोना, बार बार सैनिटाइज़र करना, शुद्ध जल पीना और शुद्ध पौष्टिक आहार लेना और शुद्ध वायु लेना, ये सब हमें रोज करना पड़ेगा, तभी हम जो है अपना प्रतिरक्षा तंत्र मजबूत कर सकते हैं और इस वैश्विक महामारी से लड़ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।